प्रोडक्शन है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, फिल्म लुक्स फैंटास्टिक, लोकेशन बहुत प्यारे हैं, सेटिंग एंड ऑफ कोर्स विद देयर ग्रेट एक्ट्रेस। एक्चुअली इस फिल्म के जो सरप्राइज पैकेज है वो अली मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे वैसे ही जासूस पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा शौक है और विद्या ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अली इज़ फैंटास्टिक इन द फिल्म और हैदराबाद की सेटिंग है तो लगती है अलग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। जासूस फिल्म का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि क्या उस स्टोरी को मतलब इंटरेस्टिंग रख सकें और जो एक्चुअल प्लॉट है क्या वो सचमुच में स्पेशल है या नहीं, तो इसमें वो है, इसमें ड्रामा है, इमोशन है, रोमांस है, सब है। ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं फुल प्लानिंग कर रही हूँ उनकी जासूसी करने की। नहीं, बचपन से तो मेरे फेवरेट सलमान खान हैं, लेकिन वो एक खुली किताब है तो उनकी क्या जासूसी करना। हैं एक दो और लोग, नहीं बताऊँगी नाम। I think it's a very sweet film and Vidya's extraordinary. My best wishes to Diya and the entire team. And Bobby Jassus is something really fun and everyone should go out there and watch it. How would you describe one word of Bobby Jassus? I think it's like Indian Pink Panther. Kabhi Ritesh ne jassusi ki hai? Nahin, kabhi nahin. Bachpan mein bhi nahin? Nahin. Thank you. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई थिंक जो विद्या ने काम किया है, दिया साहिल जिन्होंने प्रोड्यूस किया है और समर डायरेक्ट किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं सकता, अभी थोड़ी मेरी आंखों में तकलीफ है, बट 4-5 दिन के अंदर देखूंगा। बट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और जितने भी सब दोस्त लोग अंदर हैं जिन्होंने फिल्म देखी है उनको बहुत पसंद आई है। मैं विश करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाए। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं और मुझ पर कोई जासूसी करे वो वक्त ज़ाया। सो मैं, मेरा कुछ है ही नहीं, कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मैं सेट पे जाता हूँ और घर जाता हूँ और काम करता हूँ, सो मेरे साथ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे रोल्स प्ले किए हैं और आई होप, एंड अली जो हैं हमारे साथ भी काम कर चुके हैं, वेरी फाइन एक्टर, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। नो, आई वाज शूटिंग, मैं शूटिंग से सीधा आया हूँ, अभी शूटिंग खत्म की इसलिए लेट हो गया हूँ, एंड बमन को पहले भेज दिया, बट आई हैड टू कम हियर एंड विश देम, एंड आई कांट सी द फिल्म सो आई सेड आई विल कम लिटिल लेट बट कम एंड विश देम। थैंक यू वेरी मच। बाहर देखना टायर के साथ में चलो। बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है, पर एक बात का विश्वास है कि जो हमसे हो सकता था इस फिल्म के लिए हम सब ने वो सब कुछ किया है,
तो उम्मीद यही है कि ऑडियंसेस के दिलों को ये फिल्म छू जाएगी और सब साथ में जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, सब कह रहे हैं कि फन फैमिली एंटरटेनर है, देख के बहुत खुशी महसूस होती है, ये सुनकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। सब कह रहे हैं कि यू नो खिलखिलाकर हंस रहे हैं सब, और थ्रू आउट एक हंसी है हमारे चेहरों पर, हम बहुत खुश हैं। टच वुड। कोई आई एम सेइंग ये फन फैमिली एंटरटेनर है, लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, यू नो रिलेशनशिप्स अच्छे लग रहे हैं। तसव्वुर और बॉबी का जो रिश्ता है, मतलब अली फजल और मेरा जो रिश्ता है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जासूसी बहुत अच्छी लग रही है, और क्या बोलूँ, और बाकी सब फिल्म फिल्म देख के बाकी सब उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर, और मैं इस वजह से और भी ज़्यादा खुश हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि प्रेस स्क्रीनिंग होने वाली थी, और अब मेरे जान में जान आई है, मेरी सांस अटकी हुई थी, अब मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रही हूँ, क्योंकि प्रेस स्क्रीनिंग के बाद जो प्यार मिला है मीडिया से, वो वाकई में इट्स बीन ओवरवेलमिंग। क्योंकि जब हम फिल्म बनाने निकले थे तो हम चाहते थे कि इस फिल्म से जुड़ा जो मकसद है और जो इच्छा है वो लोगों की नज़रों तक पहुँचे, उनके दिलों में समा जाए, और आज के रिएक्शन सुनने के बाद ये यकीन हुआ है कि अगर आप दिल से, सच्चे दिल से और ईमानदारी से कुछ करो तो लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचती है। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट हैव कम इन आर फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, इन द मीडिया, जो जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यूज़ किए हैं 10 साल से 12 साल से, उन्होंने मैसेज भेजा ये कहकर कि आई एम प्राउड दैट यू मेड दिस फिल्म, एंड देर इज़ नो बिगर कॉम्प्लीमेंट दैन दैट, आई एम सो हैप्पी। विद्या ने कहा कि बहुत सारा प्यार आपने दिया है विद्या ने, तो विद्या के लिए क्या कहना चाहोगे? विद्या बॉबी है, मैं तहे दिल से उसकी शुगर्स गुजार हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, आई एम सो हैप्पी फॉर हर, आई वॉन्ट एवरीबडी टू लव हर बिकॉज शी इज अर्नड इट, शी रियली हैज़ अर्नड इट।
में आंसू। इट्स एन इमोशनल मोमेंट, मतलब जो फिल्म बनाने में मेहनत जाती है, जो हम सब चाहते हैं फिल्म को लेकर, इट्स नाइस कि जब लोग फिल्म देखते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड टू दैट एंड दे फील फॉर दैट एंड मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ जब आप प्रोड्यूसर होते हो फिल्म के, तो जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर फिल्म के रिलीज़ तक उनके दिलों में फिल्म के लिए प्यार बरकरार हो, तो उससे बड़ी बरकरार बात कुछ नहीं होती। थैंक यू। अभी भी है वहाँ पर, अभी वो फिल्म 25-30 मिनट जा रहे, तो जा मैं दिल्ली यहाँ का ट्रांसफर कर दूँगी। This is Vidya Balan in Bamani Rani. Thank you.